बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू फ्रॉम, क्या हाल है आपके? आप खैरियत से होंगे उम्मीद है। आज हम अपनी एमएस एक्सेल की प्रोफेशनल क्लास के साथ दोबारा हाजिर हैं आपके खिदमत में। तो आज हम स्टूडेंट से बनाना सीखेंगे लिस्ट ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स। वो लिस्ट बनानी है हमने जो डेटा बेस के अंदर आपने यूज़ करनी है, और वो किस तरीके से बनेगी उसका मुकम्मल तरीक़ेकार मैं आपको समझाऊँगा। तो तमाम स्टूडेंट्स ने तवज्जो के साथ मेरी इस वीडियो को फॉलो करना है, और ये अब समझिए ये डेटाबेस आपका पूरा मुकम्मल बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी डेस्कटॉप स्क्रीन। आई कैन स्टार्ट एमएस एक्सेल। नाउ फर्स्ट हेडिंग्स, एमएस एक्सेल पर आपने सबसे पहले एक शीट के ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट यूज्ड इन प्रोफेशनल फील्ड्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए जनाब, मैंने यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स बना दिए हैं जिसमें बैंक नेम लिस्ट है, सप्लायर लिस्ट है, कस्टमर लिस्ट है, और देन आइटम प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपने भी इसी तरीके से ये लिस्टें बना लेनी। अब इस लिस्ट में सिर्फ यही लिस्टें नहीं बनेंगी, काफ़ी सारी लिस्टें बनेंगी, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपने इस तरीके से लिस्टें तैयार करनी है। इसके बाद मैं इसी को कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ मैं एक लिस्ट और बनाऊँगा जिसमें मेरे पास आ जाएगा UMO, यानी यूनिट मेजरमेंट ऑफ। ठीक है, UMO कहते हैं हम, यूनिट मेजरमेंट ऑफ। ठीक है, इसी तरीके से एक लिस्ट मैं और बनाता हूँ यहाँ पर, और इसका नाम मैं दे देता हूँ जनाब सपोज डेट रेट, बजट रेट, इसके अलावा मैं एक लिस्ट और यहाँ पे बना लेता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ सिटी। ठीक है, किस शहर से ताल्लुक है। अब जनाब हमें इसकी एक सीक्वेंस बनानी है। अब क्या सीक्वेंस है, देखें बैंक नेम्स हैं तो सिटी आपका स्टार्ट में आ जाए, फिर उसके बाद आपका बैंक नेम आ जाए, उसके बाद आपका सप्लायर आ जाए। ठीक है, यहाँ हम एक फील्ड और ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको तरीका बताया था शॉर्ट की यूज़ करने का, तो कंट्रोल प्लस, यहाँ आप करेंगे सी प्रेस। ठीक है, ये देखिए आपका कॉलम ऐड हो गया। ठीक, इसको आप कंट्रोल माइनस करेंगे तो, और सी प्रेस करेंगे तो ये कॉलम आपका लेफ्ट हो गया। तो अब यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं बैंक नेम लिख लेता हूँ यहाँ पर, जैसे मिसाल तौर पर हमारे पाकिस्तान के अंदर जो बैंक हैं उनके नाम क्या क्या हैं वो आप ज़रा देखिएगा। जैसे हबीब बैंक लिमिटेड, नेशनल बैंक, ठीक है, स्टेट बैंक पाकिस्तान, ठीक है, बैंक अभी लिमिटेड, बैंक इस्लामी। इसी तरीके से जनाब आपने और बैंक्स यहाँ पर ले लेने हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप सप्लायर लिस्ट ले लेंगे। जैसे सप्लायर लिस्ट में मैंने आपको तरीका कर बताया था, मैंने चंद कंपनीज के नाम लिए थे, यहाँ आप लेंगे महानूर टेक्सटाइल, आप कोई भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर महानूर टेक्सटाइल ले लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर शाहनूर टेक्सटाइल ले लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं महाम टेक्सटाइल ले लेता हूँ, महाम फैब्रिक्स, ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर कस्टमर लिस्ट बना लेता हूँ, जैसे कस्टमर लिस्ट में मैं बना लेता हूँ दादा भाई इंडस्ट्रीज, यानी कस्टमर्स हो गए, यहाँ से आपकी रॉ मटेरियल की सेलिंग हो रही होती है, और ये आपकी परचेजिंग है, और ये सेलिंग है आपकी। आप मिसाल तौर पर आप लेते हैं यहाँ पर डायनम टेक्सटाइल्स, ठीक है, और आपने यहाँ पर ले लिया स्टैंडर्ड टेक्सटाइल। तो ये दो दो तरह की अलग अलग की आपकी कैटेगरी बन गई, एक तो आपकी हो गई बैंक की, दूसरी हो गई सप्लायर लिस्ट की, तीसरी हो गई कस्टमर लिस्ट की। अब बजट रेट आपने सपोज रेट यहाँ रख लिया आपने 5000 का, ठीक है, यहाँ 5000 से छोटा आप ले लेते हैं 4500 और 4700 एंड 4500, ठीक है।
अब यहाँ आपने जो सिटी ले लिया, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कराची, ठीक है, हैदराबाद, और यहाँ आपने सेलेक्ट कर देना है सपोज दैट मुल्तान। ठीक गाइस, यहाँ पर आपके प्रोडक्ट का नाम आपने ले लेना है, जैसे आपने फैब्रिक लेते हैं आप फैब्रिक 12 सिंगल, और यहाँ आप लेते हैं यार्न 20 सिंगल, और यहाँ में कॉटन यार्न 22 सिंगल। ठीक है जनाब, इसी तरीके से यहाँ पे मैं यूनिट मेजरमेंट ऑफ सेलेक्ट करूँगा अपनी, और जैसे मैं काम कर रहा हूँ बैग्स में तो मैं यहाँ बैग्स ले लूँगा, और यहाँ काम कर रहा हूँ मैं बेल्स के अंदर तो बैग्स ले लूँगा, और अगर केजीस में काम कर रहा हूँ तो केजीस ले लूँगा। ठीक है, आप और भी यूनिट ले सकते हैं इसके अंदर। ठीक स्टूडेंट्स, ये इस तरह की कुछ लिस्ट आपके पास तैयार रहेगी, और आपने तो इसको बड़ी सिक्वेंस के साथ बनाना था, मैं तो जल्दी में बना रहा हूँ तो मेरी इतनी सिक्वेंस में नहीं बन रही। मिसाल के तौर पर आपने अलाइनमेंट का ख्याल रखना है, ठीक है, ये देखें इसको आपने अलाइनमेंट करना है, और बहुत सारी चीज़ों की अलाइनमेंट बाकी होगी, लेकिन मैं अभी आपको ये सिर्फ समझा रहा हूँ तो आपने इसको सही से समझ लेना है। ठीक, अब स्टूडेंट इसमें करना क्या होगा आपको, ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि जैसे यहाँ सिटी है तो बाद दफ़ा आपका बिज़नेस जो है वो इंटरनल चल रहा होता है, या आप किसी फर्म में अगर काम कर रहे हो तो आपने देखा होगा वहाँ एक्सपोर्ट भी शो हो रही होती, तो एक्सपोर्ट के लिए आपने कंट्री का एक फील्ड आपने डालनी होगी, यहाँ इंटर करनी पड़ेगी, कंट्री की फील्ड आप बना लेंगे। कंट्री की फील्ड बनाने के बाद आप यहाँ पर आप करेंगे क्या, देखिए जनाब, आपने आना है पहले बैंक नेम लिस्ट पर, इस पूरी चीज़ को आपने पूरे कॉलम को आपने सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पर सिंपल सा कंट्रोल एल प्रेस करूँगा, क्या प्रेस करूँगा, कंट्रोल एल। ये देखें, जैसे ही मैंने कंट्रोल एल प्रेस किया, ये शॉर्ट की है क्रिएट टेबल की, और आपके पास ये टेबल क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, मैं इसको ओके करता हूँ, ठीक, ये टेबल आपका क्रिएट हो गया। अब आपका जितना भी डेटा बेस होगा बैंक का, वो सारा नाम आप यहाँ से एंटर करते रहेंगे। ठीक है, आज के दिन मैं सिर्फ इतना ही बताऊँगा, क्योंकि इसका काफ़ी लंबा प्रोसीजर है कि डेटा बेस में किस तरीके से यूज़ होगा, आपको कोई फील्ड लिखनी नहीं पड़ेगी, आपकी बात ऑटोमेटिकली ये फील्ड उठकर आपकी दूसरी शीट के ऊपर जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपकी ये लिस्ट है, इसको आपने सेलेक्ट किया यहाँ तक, और सेलेक्ट करने के बाद आप इसको कंट्रोल एल प्रेस कर देंगे, ये देखिए जनाब। ठीक है, इसी तरीके से आपने इसको सेलेक्ट किया, इसको भी कंट्रोल एल कर देंगे आप, इसी तरीके से आपने इसको सेलेक्ट किया, इसको भी कंट्रोल एल कर देंगे। ठीक है, तो आपने तमाम डेटा लिस्ट को बना लेना अलग अलग, और उनको आपने सिर्फ कंट्रोल एल करके लिस्ट फॉर्म में तब्दील करना है। ठीक है जनाब, ये हो गया हमारी लिस्ट बनाने का तरीका, कि हम अलग अलग अपनी टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हमें डेटाबेस के अंदर यूज़ करने हैं वो हम किस तरीके से बना सकते हैं। देन अब आती है बात कि आया इसको बनाने का मकसद क्या था। देखिए, इसको बनाने का मकसद ये था, जैसे मैं कंट्रोल पेज डाउन करता हूँ, अपनी सेकंड लिस्ट पे जाता हूँ, यहाँ मैंने आपको एक डेटा वैलिडेशन का तरीकाकार बताया था कि हमें एक डेटा उठाना हो तो हम किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। सपोज डेट मैंने अपने ये तमाम कॉलम्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, देखिए मैं आपको एक फ्री स्टाइल शीट के ऊपर समझा रहा हूँ कि यहाँ पर कोई चीज़ लिखी भी नहीं है, कोई चीज़ टाइप नहीं हुई भी। तो आपने करना क्या है स्टूडेंट, इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से जाऊँगा अपने डेटा के कॉलम पर, यानी डेटा मेन्यू के अंदर, और यहाँ से डेटा वैलिडेशन को ओपन करूँगा। जब मैं डेटा वैलिडेशन को ओपन करूँगा तो यहाँ एक मेन्यू खुलेगा जिसके अंदर तीन सब मेन्यू आ रहे होंगे, एक सेटिंग, दूसरा इनपुट मैसेज, तीसरा एरर अलर्ट। हम सबसे पहले जाएंगे सेटिंग के ऊपर, और इधर सेटिंग देंगे अपनी लिस्ट, मैंने इसको ऑन किया और मैंने लिस्ट की सेटिंग दी। अब वो मुझसे कहेगा कि जनाब आपकी सोर्स क्या है, मैं अपनी सोर्स जो दूंगा वो अपनी शीट वन पर वापस आऊँगा, इस टेबल को ओपन रहने दूंगा। आने के बाद मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ सपोज डेट बैंक नेम लिस्ट, तो मैं इसको यहाँ से लूँगा इस डेटा को, और अपनी पूरी लिस्ट को सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद अब देखेंगे ना, यहाँ पे मेरा डेटा वैलिडेशन आ गया, अब दूसरे किसी और कॉलम पे नहीं आ रहा होगा, लेकिन जहाँ से मैंने सिलेक्शन की है, देखें मेरी सिलेक्शन कहाँ से कहाँ तक है वो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। मेरी सिलेक्शन यहाँ से स्टार्ट है, और देखें यहाँ से स्टार्ट है, यानी इसके नीचे से, और जहाँ कहाँ तक रही है ये देखें, यहाँ आकर
ख़त्म हो रही है। अब इसी पर्पस पे मैं इसी वे में इसी डायग्रामेटिकली शेप के अंदर काम करना है मुझे। तो अब मैं यहाँ देखें सिलेक्ट करता हूँ कोई भी एक चीज़, ये देखिए मेरे पास बैंक नेम आना शुरू हो गए, ठीक है। अब अगर मैं इन बैंक्स के अलावा कोई भी अकाउंट यहाँ ओपन करूँगा तो देखें इसमें एक एरर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ मीज़ान बैंक, ये देखें इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग गई। तो ये एक तरीकाकार था बड़ा यूनिक सा कि अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा। लेकिन कोई भी चीज़ है एक्सेल के अंदर अगर वो एडवांस लेवल पर यूज़ हो रही है तो उसके बड़े मतलब टेक्निकल तरीके से यूजेस हैं। तो मैं पूरा मुकम्मल प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ कि स्टार्ट में आपने लेके कैसे चलना है, और फिर ये तमाम काम एक ही शीट के ऊपर हो रहा है। आपने कोई अलग शीट नहीं खोलनी, कोई अलग शीट न्यू और शीट ओपन नहीं करनी, सारा काम हम इसी शीट पे करेंगे। मैं पहले भी आपको बता चुका था, ठीक है। तो आपने इसको कैंसिल किया, अब आप इधर देखें सिर्फ वही बैंक सेलेक्ट करेंगे जो आपने नाम लिए हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ, देखें ये फील्ड आ गई मेरे पास, ठीक है। सिर्फ लिखने की देर होगी, ऑटोमेटिकली वो आएगी। अब जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ बैंक अल हबीब, यहाँ मैंने लिखा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ऑटोमेटिकली उसने ले ली इसमें। इस तरीके से वो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ले लेगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पर बैंक अल हबीब सेलेक्ट करता हूँ तो देखें वो बैंक अल हबीब को यहाँ उठा लेगा, ठीक है। तो ये था एक तरीक़ाकार, एक व्यू था कि आपने किस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट की लिस्ट बनानी है। अच्छा, अभी तक हमने ये लिस्टें बनाई, ठीक, आपने भी इस तरीके से बनाई, लेकिन इसको तरतीब में रखना है कि कंट्री के साथ बराबर में सिटी आए, सिटी के बाद आपके बैंक चलें, बैंक के बाद सप्लायर लिस्ट बने, सप्लायर लिस्ट के बाद आपकी कस्टमर लिस्ट बने। नेक्स्ट, अब इसमें एक टेक्निक आपने और यूज़ करनी है। करना क्या है आपने, इसमें ही हम एक लिस्ट और बनाएंगे जिसका नाम होगा चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। क्या नाम होगा इसका? चार्ट्स ऑफ अकाउंट। तो स्टूडेंट्स में चार्ट्स ऑफ अकाउंट की जो वैल्यूएबल है, जो यूज़ होती है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के अंदर और आपके स्टैंडर्ड अकाउंटिंग के अंदर और नॉन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग के अंदर, इसकी मुकम्मल वीडियो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो आपको तरीका कर बताऊंगा कि इसके चार्ट्स ऑफ अकाउंट बनेंगे किस तरीके से। तो जब तक के लिए स्टूडेंट, ये आपको अगर समझ में आती है तो उसको आप लाइक करें लाजमी और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, तो आपको वक्तन फवक्तन हमारी तमाम वीडियोज़ मिलते रहेंगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, आपके टीचर इसरारुल हसन अस्करी के साथ, अल्लाह हाफिज़।